हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। सबसे पहले हम देखेंगे काउंट फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दी हुई है जिसमें से एक सेल हमने ब्लैंक लिया हुआ है और एक सेल में एरर वैल्यू है। तो जब हम काउंट फंक्शन का यूज करते हैं तो काउंट फंक्शन काउंटिंग के लिए होता है। जब हम सिर्फ काउंट लिखते हैं तो ये काउंट फंक्शन नंबर ऑफ सेल्स काउंट करता है जिनमें नंबर हो। ये फंक्शन सिर्फ वही सेल काउंट करेगा जिसमें नंबर होंगे। तो यहाँ पे अगर हम ये चार सेल सिलेक्ट करते हैं तो इसका आउटपुट हमें मिलेगा टू, क्योंकि दो ही सेल में नंबर है। काउंट ए फंक्शन की हेल्प से हम नॉन एम्प्टी सेल को काउंट करते हैं, मतलब जो भी सेल नॉन एम्प्टी रहेंगे वो आउटपुट में आएंगे। इसमें जो एरर सेल है, जो लास्ट सेल है, वो भी यहाँ पे काउंट होगा। तो टोटल हमें मिलेगा सेवन, क्योंकि सेवन यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेल है। काउंट ब्लैंक की हेल्प से हम ब्लैंक सेल काउंट करते हैं, तो लिखेंगे काउंट ब्लैंक और हम पूरा टेबल यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो ब्लैंक सेल इस टेबल में सिर्फ एक ही है, तो आउटपुट में मिलेगा वन। नेक्स्ट फंक्शन इज कोरल। इट कैलकुलेट्स द कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू एरेस। मीन्स कोरिलेशन की हेल्प से हम दो कंटिन्यूअस वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप डिस्क्राइब करते हैं। ये जो दो वेरिएबल्स होते हैं, जो दो एरे हमारे पास दिए होते हैं, इनमें एक तरह का रिलेशनशिप होता है जिसको हम कोरल फंक्शन से फाइंड करते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन जब होता है दो वेरिएबल के बीच में, जब पॉजिटिव कोरिलेशन होगा तो दोनों ही वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। सेम डायरेक्शन में मूव करने का मतलब ये होता है कि जब हम एक वेरिएबल को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा, और जब हम एक वेरिएबल को डिक्रीज करेंगे तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो हाइट और वेट का है। तो यहाँ पे जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे वेट भी बढ़ता है, और जब हाइट कम होती है तो कंपैरेटिवली वेट भी कम होता है। तो जब हम यहाँ पे कोरल फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमें लिखना होगा इज इक्वल टू कोरल। उसके बाद हम एरे वन सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, एरे टू की रेंज देंगे एंड एंटर करेंगे, तो आंसर आया है 0.911637726। तो ये जो आंसर है ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन को दिखा रहा है, क्योंकि जो नंबर हमें मिला है वो पॉजिटिव मिला है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो माइनस वन एंड प्लस वन के बीच में होती है। अगर यहाँ पे हमें माइनस में आंसर मिलता है तो इसका मतलब होता है कि जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव रिलेशन है, और जब हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो वो एक पॉजिटिव रिलेशन का एग्जाम्पल होता है। और ये वैल्यू वन के जितने पास मिलेगी ये रिलेशन उतना ही परफेक्ट माना जाएगा। मीन्स अगर हमें यहाँ पे करेक्ट वन मिलता तो हम उसको परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन बोलते। अब यहाँ पे 0.9 मिला है, मतलब ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, और 0.9 है मतलब ये वन के बहुत ही नियरर है। तो क्लियरली ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो उसके हिसाब से वेट भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे नेगेटिव कोरिलेशन का। तो यहाँ पे डिस्काउंट दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, और सेलिंग प्राइस हम ले रहे हैं 1000। तो डिस्काउंट हम जितना ज्यादा देंगे प्रॉफिट हमें उतना ही कम होगा। मीन्स यहाँ पे जब एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, और अगर पहला वाला डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा। तो इस तरह का जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे भी हम कोरल फंक्शन अप्लाई करके देखेंगे, इज इक्वल टू कोरल, एरे वन सिलेक्ट करेंगे जो है डिस्काउंट वाला कॉलम, उसके बाद एरे टू जो है प्रॉफिट, एंटर करेंगे
तो आंसर आया है -1। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये नेगेटिव रिलेशन है, और क्योंकि यहाँ पे हमें -1 मिला है तो ये शो कर रहा है कि ये परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन है। नेक्स्ट फंक्शन है लार्ज एंड स्मॉल, जो कि बहुत ही सिंपल फंक्शन है। लार्ज की हेल्प से हम केथ लार्ज वैल्यू फाइंड करते हैं और स्मॉल की हेल्प से हम केथ स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे के लार्जेस्ट और के स्मॉलेस्ट का मतलब होता है कि हमें कौन सी लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए। जैसे अगर हमें सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए है तो हम 2 लिखेंगे, अगर हमें थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए है तो हम 3 लिखेंगे, और उसी तरीके से हम स्मॉल वैल्यू के लिए भी लिखेंगे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इज इक्वल टू लार्ज, उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं रेंज जहां पे हमें लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद कौन से नंबर की लार्जेस्ट वैल्यू हमें चाहिए वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है 2, तो सेकेंड नंबर की जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो है 6000, क्योंकि फर्स्ट नंबर की जो लार्जेस्ट वैल्यू थी वो थी 10000। इसी तरीके से अगर हम फिर से इसी एग्जाम्पल को देखें, और इस बार हमने रेंज में 2 कॉलम ले लिए हैं, और फर्स्ट नंबर की अगर हम लार्जेस्ट वैल्यू देखें तो हमें मिलेगा 10000। इसी तरीके से हम स्मॉल फंक्शन का यूज करते हैं। डिफरेंस यहाँ पे ये है कि अब हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी। तो इस रेंज में जो रेंज हमने सिलेक्ट की है उसमें हम देखेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो 1 लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट नंबर की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है 2000। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इस पूरे रेंज में थर्ड नंबर की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो आएगी 3000। तो फर्स्ट नंबर की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी वो थी 2000, उसके बाद थी 2500, और थर्ड नंबर की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी वो थी 3000। तो इस तरीके से हम लार्ज एंड स्मॉल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम एवरेज, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे ही फंक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज, एवरेज ऑफ टोटल कॉस्ट, जिसके लिए हम लिखते हैं एवरेज फंक्शन। सिलेक्ट करेंगे कॉस्ट वाला कॉलम क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट का एवरेज फाइंड करना है, C2 to C9। एंटर करेंगे तो आंसर आया है 59.75। सिमिलरली हम एवरेज क्वांटिटी सोल्ड के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो एवरेज क्वांटिटी सोल्ड है 17। मीडियन फंक्शन मिडिल वैल्यू को रिटर्न करता है, मींस जो भी रेंज हम देंगे उसकी जो मिडिल वैल्यू होगी वो यहां पे आएगी। तो लिखेंगे इज इक्वल टू मीडियन क्वांटिटी सोल्ड, इलेवन। तो जो मीडियन है वो आया है 11। मोड रिटर्न करता है रिपीटेड वैल्यू को, मींस जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी वो यहां पे मिलेगी। तो लिखेंगे मोड डॉट SNGL, क्योंकि हम सिंगल वैल्यू के लिए कर रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे क्वांटिटी सोल्ड, जो कि रेंज है P2 to B9, और आंसर आया है 11। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ हाउ वाइडली वैल्यूज आर डिस्पर्स्ड फ्रॉम द एवरेज वैल्यू, जिसके लिए हम यूज करते हैं फंक्शन STDEV.P। क्वांटिटी सोल्ड के लिए रेंज है B2 to B9, तो आंसर हमें मिलेगा 9.4041। इसी तरीके से हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। कॉस्ट वाला कॉलम सिलेक्ट करेंगे C2 to C9, और आंसर हमें मिलेगा 13.7545447। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मूले हमने देखे जो कि ज्यादातर स्टैटिस्टिक्स में यूज होते हैं। मीन हम फाइंड कर सकते हैं एवरेज से, एवरेज है, मीडियन है, मोड है, और स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो कि स्टैटिस्टिकल फंक्शंस में आते हैं, लेकिन इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं वो फॉर्मूले जो कॉमनली यूज होते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।